आपको 25 मिनट से 26 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें 2 से 3 मिनट में आपको बताऊंगा क्या मेरा ये सीरीज के बारे में। उसके बाद आप देखिए 24 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो पूरा वीडियो को देखिएगा जिस तरीके से मैं बताऊं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वे ऑफ स्टडी पर। वे ऑफ स्टडी को आप सर्च कर सकते हैं द वे ऑफ स्टडी फीटर से, या वे ऑफ फीटर भी सर्च करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल पे जाके बहुत सारे एमसीक्यू भी कराए गए हैं, इसरो के लाइव टेस्ट कराए गए हैं, आपके प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, उन सभी को आप जरूर एक बार ट्राई कर ले, ठीक है। उससे पहले आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वे ऑफ स्टडी लिखिएगा तो इस तरीके से आपको टेलीग्राम मिलेगा। यहाँ ज्वाइन करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आप जुड़ने के बाद वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कब आपका लाइव टेस्ट होगा या मॉक टेस्ट होगा, जो भी है आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि किस दिन किस समय कितना बजे आपको लाइव टेस्ट होगा, कब होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बेल घंटे को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मॉक टेस्ट कराने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आज हम करेंगे 100 बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, 100 बेस्ट क्वेश्चन फीटर ट्रेड, ठीक है, आईटीआई फीटर वालों के लिए है, ठीक है। एमसीक्यू होंगे, ठीक है, कितना 100, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ये वीडियो। मैं आपको 100 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन है बहुत कम समय में, बहुत कम समय में कराने के लिए ट्राई करूंगा। ये अभी मैं 2 से 3 मिनट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करना पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार होते चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या करिएगा, जो YouTube पे ऊपर में 3 डॉट बने होते हैं वहां पर एक बार क्लिक करके स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस आप लैंडस्केप मोड पे करके वीडियो देखते जाइए, एक बार देख लीजिए। आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आपके दिमाग पर बैठ जाएगा, ठीक है। बस एक बार पूरा एकदम कंप्लीटली देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए गियर व्हील हैज 36 टीथ, ठीक है, एंड 3 mm मॉड्यूल एंड इट्स पिच डायमीटर कटर। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए मैं लिया 100 के फर्स्ट सीरीज में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इसमें कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का गुना करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 108 mm, ठीक। और इस क्वेश्चन जितने भी 100 क्वेश्चन है ये आप रिवाइज के तौर पर लीजिएगा, ठीक है, कि आप रिवाइज कर रहे हैं 100 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, अपने आप को जज करिए, चेक करिए आप कितना कर पाते हैं, ठीक है, आज तक के पढ़ाई में। और ईमानदारी से आप कमेंट करिए 35, 40, 50, 60, 90, बेमानी एकदम आपको डाउन करते चला जाएगा, ठीक है, और आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ए मेन पर्पस ऑफ यूजिंग वार्म एंड व्हील ड्राइव्स इन मशीन एंड देयर एसेसरी इज टू। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, ताकि जो हिंदी वाले हैं उनको भी तकलीफ ना हो और इंग्लिश वाले उनको भी तकलीफ ना हो। अगर ये हिंदी में मैं सिर्फ लेता तो इंग्लिश वालों को एकदम समझ नहीं आता, और इंग्लिश में लिया हूं तो दोनों लैंग्वेज को समझ में आया, क्योंकि मैं जो बोलूंगा हिंदी बोलूंगा और जो लिखा हुआ है इंग्लिश है, मैं एकदम आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, ए मेन पर्पस ऑफ यूजिंग वार्म एंड व्हील ड्राइव्स इन मशीन एंड देयर एसेसरीज। वार्म एंड व्हील का मेन काम क्या है, क्यों हम वार्म एंड व्हील का यूज करेंगे, तो स्पीड रिडक्शन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहां देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वार्म शाफ्ट टू वार्म व्हील, ठीक है, स्पीड रिडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर्ड बाय, टूथ थिकनेस जो रैक एंड पिनियन होता है उसका जो टूथ रैक का बोला गया, किससे आप मेजर कर सकते हैं, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से, ठीक है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से आप मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑयल ग्रुप्स आर टू बी कट इन ब्रास हाफ बियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चिजल इज यूज। ऑयल ग्रुप्स आपको कट करना है ब्रास हाफ बियरिंग में, कौन सा चिजल का आप यूज करिएगा, तो हाफ राउंड नोज चिजल का यूज करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज नॉन एज, स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो माइनर डायर, ठीक है, एकदम अच्छा स्मॉल जो इंग्लिश होता है ना, थोड़ा इंग्लिश,
जो कहते हैं मुझे थोड़ा इंग्लिश आता है, उसी भाषा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलर गेज आर यूज्ड फॉर, फिलर गेज का यूज क्यों करते हैं? तो ये देखिए, चेक द गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट्स, सही है। चेक स्पार्क प्लग गेज, ये भी यूज करते हैं। चेक द मेजर एंड बियरिंग क्लियरेंस, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिलर गेज आर, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग ए होल इज नॉट, देखिए इनलार्ज करने को बोला है, बीवेलिंग नहीं बोला, तो इनलार्ज के लिए हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं और बीवेलिंग के लिए काउंटर सिंकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टम्बलर गियर कॉन्सिस्ट ऑफ, टम्बलर गियर कितने गियर का होता है? तो 3 गियर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लग टैप इज यूज फॉर, प्लग टैप, टैप, प्लग टैप आपको पता होना चाहिए किसको प्लग टैप कहते हैं, कौन सा टैप क्या है, किस जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसका होगा फिनिश थ्रेड। और आप मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर कमेंट करते चलिए, कमेंट बॉक्स खोलिए, देखिए और बी सी डी कमेंट करते चलिए, ऐसे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कितना प्रिपेयर है, तब आपको पता चलेगा आपने 100 में कितना किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द परमिसेबल डेविएशन फॉर लेवलिंग ऑफ मशीन, मशीन को लेवलिंग, जब लेवलिंग किया जाता है तो कितना डेविएशन आपको छोड़ना चाहिए, देखिए 0.03 mm पर 300 mm, ठीक है, 300 mm में 0.03 आपको डेविएशन छोड़ना है। अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील इज इन गुड कंडीशन, कैसे पता चलेगा ग्राइंडिंग व्हील सही कंडीशन पे रनिंग कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा ये अभी खराब नहीं है? तो उसका जो रिंगिंग साउंड आता है इससे पता चलेगा कि अभी सही है, ठीक है। बॉडी ऑफ पंच इज नर्ल, जो पंच होता है, पंच देखो उसके बॉडी पर नर्लिंग किया रहता है, क्यों किया रहता है? तो पॉजिटिव ग्रिपिंग, ग्रिपिंग सही हो, स्लिपिंग ना हो, ठीक है। जब आप पंचिंग करें, हैमरिंग उसके ऊपर करिएगा तो ग्रिपिंग आपका सही से पकड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड के फॉर्मूले से बहुत कुछ आता है, तो इसका आंसर होगा पाई डी एन बाई 1000, कहां है आंसर, बी राइट आंसर है, पाई डी एन बाई 1000, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 MSD - 1 BSD, ऑप्शन सी आपका राइट है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1 MSD - 1 BSD, और अगर mm में दिया हुआ है तो 0.02 mm, ये सब आपको पता है। द बॉडी ऑफ एरोप्लेन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज, बताइए क्यों, वेट के कारण एल्यूमिनियम का बॉडी बनाया जाता है एरोप्लेन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट यूज टू चेंज द रेंज ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर का रेंज चेंज करने के लिए कौन सा पार्ट यूज करिएगा? तो एक्सटेंशन रड, एक्स्ट्रा जो रड लगाया जाता है एक्सटेंशन रड, उससे हम रेंज चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग नट यूज इन हेक्सो फ्रेम, हेक्सो फ्रेम में कौन सा नट यूज करते हैं? तो सबको पता है विंग नट, ठीक है, विंग नट। अगला क्वेश्चन, SWL मतलब क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड, बहुत बार कराया क्वेश्चन है, ये DRDO में आया हुआ है, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत समझिए इजी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन वही करिए जो आता है, जो नहीं आता उसको करके क्या कोई फायदा है? मैं आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा दूं, आप सिर्फ पढ़ लिए, टाइम वेस्ट कर, कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन को करिए जिससे फायदा हो। अगला क्वेश्चन, ए होल हुज लोअर डेविएशन इज जीरो इज कॉल्ड होल, बेसिक होल इंडिकेटेड, बेसिक होल को आप कैसे इंडिकेट करिए ये बात बोला जा रहा है, ठीक है, तो कैपिटल एस से हम लोग बेसिक होल डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, वाइल गैस कटिंग द नोजल शुड, जब आप गैस कटिंग करते हैं तो नोजल आपका कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए? 5 mm अवे फ्रॉम द वर्क, ठीक है, गैस कटिंग करते समय आपका नोजल 5 mm दूर होना चाहिए आपके वर्क पीस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द चीफ अलॉयिंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, स्टेनलेस स्टील का चीफ अलॉयिंग एलिमेंट क्या होता है? क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय ए सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड, जो थिकनेस होता है शीट मेटल का इंडिकेट करते हैं जिस सीरीज को, उसको क्या कहते हैं? उसके गेज कहते हैं, ठीक है, उसे गेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लूअर आर यूज्ड फॉर, किस लिए? देखिए नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फ्लोविंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग सिलेंडर व्हिच आर नॉट केप्ट इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तो क्या होगा? पायलट गेज, व्हिच वन ऑफ द फ्लोविंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग सिलेंडर, ठीक है, व्हिच आर नॉट केप्ट इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजिशन, क्या? तो पायलट गेज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन, देखिए जब आप ड्रिलिंग करते हैं लेथ में तो ड्रिल कहां पर आप हेल्ड करते हैं? तो टेल स्टॉक, ठीक है, पकड़ते हैं, यही बात क्या है? HSS सेपर टूल कैन रेसिस्ट हार्ट, नहीं होगा हीट, ठीक है, हीट के लिए HSS सेपर का जो टूल कितना करता है? तो 600 डिग्री सेल्सियस तक उसका हीट का ये रहता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस वेन फाइलिंग, जब फाइल करते हैं तो बेस्ट पोजिशन क्या है आपका फाइलिंग का, तो एल्बो लेवल या 106 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलिए, साइनेडिंग एंड नाइट्रेडिंग आर टू मेथड, ये जो दो मेथड दिए गए हैं ये कैसे मेथड है, तो केस हार्डनिंग मेथड है, ठीक है। केस हार्डनिंग में ये दोनों आपके पढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ वनियर डेफ्थ गेज, वनियर डेफ्थ गेज का लिस्ट काउंट क्या होगा, जो उसका होता है वही लिस्ट काउंट इसका भी होगा, ठीक है, 0.02 mm, ठीक है। विच ऑन ऑफ द फ्लॉबिंग थ्रेड इज यूज्ड ऑन मैकेनिकल जेक, मैकेनिकल जेक में कौन सा थ्रेड आपका यूज करते हैं, तो मैकेनिकल जेक हेवी लोड यानी स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का यूज क्या क्या नहीं है, तो आप पहला ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको समझ, मेजरिंग द राइट एंगल, आपको लगेगा ये सही है, मगर जब आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा आपको लगेगा कि चारों सही है, मगर नहीं, मेजरिंग आप क्या मेजर कर सकते हैं उसका राइट एंगल, नहीं, चेक कर सकते हैं, मेजरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फ्लॉबिंग इज द रीजन फॉर टर्न थ्रेड वाइल थ्रेड कटिंग ऑन लेथ, अच्छा ये बोल रहा है कौन सा रीजन है जो थ्रेड कटिंग होता है लेथ पे, विच ऑन ऑफ द फ्लॉबिंग इज द रीजन फॉर टर्न थ्रेड वाइल थ्रेड कटिंग ऑन लेथ, कौन सा रीजन है थ्रेड कटिंग लेथ के समय यूज करते हैं, देखिए इन सभी का रीजन है, ठीक है, रीजन आपका तीनों है, तो आंसर होगा एनी वन ऑफ द अबव, ठीक है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार, इन सभी रीजन में से कोई भी एक रीजन आपका हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वियरिंग हैज द प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, ठीक है, वियर एडजस्टमेंट के लिए कौन सा टाइप का वियरिंग यूज करें, एडजस्टमेंट साइड वियरिंग, ठीक है, एडजस्टमेंट साइड वियरिंग। अगला क्वेश्चन, फास्टनिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ रोप टू अनदर पार्ट ऑफ द रोप इज नोन एज, देखिए ये जो रोप वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, और यहाँ जितने दिए हैं इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा जब फास्टनिंग करते हैं रोप को और उसके अलग एक पार्ट को, तो उसे कहते हैं नॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेंटर पंच एंगल कितना होता है, तो सेंटर पंच 90 डिग्री, ये बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। लेवलिंग बोल्ट आर यूज फॉर, लेवलिंग बोल्ट आप क्यों यूज करिएगा, एडजस्टिंग द हाइट ऑफ मशीन, ठीक है, लेवलिंग बोल्ट आप यूज करिएगा मशीन का हाइट एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेड ऑफ स्टील रूल, स्टील रूल किसका बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूज्ड फॉर रिमूविंग ए ब्रोकन टेप, ब्रोकन टेप रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करिएगा बताइए, क्या यूज करें, टेप एग्जस्टर, ठीक है, ब्रोकन टेप रिमूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव कटिंग ऑफ स्टील विथ हैंड हैक्सो, विच वन ऑफ द फ्लोविंग कूलेंट इज यूज, हैंड हैक्सो से इफेक्टिव कटिंग के लिए कौन सा आप कूलेंट यूज करिएगा, तो कटिंग ऑयल यूज करिएगा, ठीक है, कटिंग ऑयल। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्सिमेटली हार्डनेस ऑफ HSS मिलिंग कटर कितना होता है, 62 HRC, और फाइल का 60, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टील थ्रू विच वन ऑफ द फ्लोविंग प्रोसेस देयर विल बी नो इंक्रीज इन हार्डनेस, देखिए बोला इन केस ऑफ स्टील थ्रू विच वन ऑफ द फ्लोविंग प्रोसेस देयर विल बी नो इंक्रीज इन हार्डनेस, तो क्या होगा, हीटिंग अबव 600 डिग्री सेल्सियस एंड स्लो कूलिंग, ठीक है, स्लो कूलिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन, हेलिक्स एंगल इज फाउंडेड ऑन, हेलिक्स एंगल आपका कहां फाउंड होता है, तो थ्रेड वर्क पीस पे, ठीक है, थ्रेड वर्क पीस। अगला क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर का कितना होता है, तो 5 मिनट, ठीक है, यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर 5 मिनट। अगला क्वेश्चन, इन एन एडजस्टेबल स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज टू एडजस्टेबल जॉ आर प्रोवाइडेड ऑन, एडजस्टेबल स्नैप गेज में जो टू एडजस्ट, जो दो जॉब प्रोवाइड किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, वन साइड के लिए, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन वन साइड, किधर, वन साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंगल प्लेट स्लॉट आर यूज फॉर, एंगल प्लेट का जो स्लॉट होता है उसको यूज क्यों किया जाता है, बोल्ट को पकड़ने के लिए, होल्डिंग, जब आप एंगल प्लेट पे कोई वर्क पीस या कुछ सेट करते हैं उसके बोल्ट अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ड्रिलिंग ग्राइंडिंग गेज, एंगल ऑफ ड्रिलिंग ग्राइंडिंग गेज, ड्रिलिंग ग्राइंडिंग गेज का कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक द चेक अप एंगल ऑफ, ट्राई स्क्वायर से आप कितना डिग्री चेक कर सकते हैं, तो 90, ठीक है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग मटेरियल फॉर लेथ कटिंग टूल कैन बी फोर्ज टू एनी डिजायर शेप, एनी डिजायर शेप, तो हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील, क्वेश्चन को समझिएगा, लेथ कटिंग में, ठीक है, कैन बी फोर्ज टू एनी डिजायर शेप, किसी भी शेप में, तो क्या होगा आपका, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एहमर विथ लूजली फिटेड हैंडल विल बी, तो क्या होगा,
फ्लाई अवे एंड कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। अगर हैमर लूजली, अगर हैमर लूज फिट होगा तो सबको पता है नॉर्मल वर्क करते समय अगर लूज फिट होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, हैमर करते कहीं और लगता है कहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्राइबर पॉइंट एंगल, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15, ठीक है, स्क्राइबर का 12 से 15। अगला क्वेश्चन, स्लाइड अवे ऑफ एन मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड, स्लाइड अवे जो होता है मशीन में उसको फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेट कैसे कर सकते हैं, ऑयल कैन के थ्रू, ठीक है। स्लाइड अवे में ऑयल कैन के थ्रू, आप ऑयल कैन तो पता होगा ना कैसे होता है। चलिए अगला, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, बॉल बेयरिंग ऑन द शाफ्ट, ठीक है, बॉल बेयरिंग ऑन द शाफ्ट ड्राइविंग फिट का बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगला, द साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाई, जो शेपर का साइज होता है कैसे आप स्पेसिफाई करते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टॉक, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टॉक से आप शेपर को स्पेसिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग इज द फंक्शन ऑफ ट्यूअर्स इन इन द फोर्ज, ट्यूअर्स का फंक्शन क्या है फोर्ज में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्ट एज एन आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्ट एज एन आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रूट ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड, आइसोमेट्रिक थ्रेड का रूट कैसा होता है, तो राउंड होता है, ठीक है, आइसोमेट्रिक थ्रेड का रूट राउंड होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोअर स्टडी इज फिक्स ऑन ऑन द, देखिए फ्लोअर स्टडी फिक्स ऑन द कहां होता है, फिक्स तो सैडल पे, ठीक है, फ्लोअर स्टडी सैडल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लियर्स बिटवीन मैचिंग पार्ट्स इज मेजर बाय, तो किसे, फिलर गेज से हम लोग मेजर करते हैं, दो पार्टों के बीच में जो गैप है कितना है क्या है वो फिलर गेज से। अगला क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फ्लोविंग प्रोसेस इज यूज फॉर हार्डनिंग द सर्फेस ऑफ ऑफ टूल, ठीक है, हार्डनिंग सरफेस, सरफेस टूल के हार्डनिंग के लिए कौन सा यूज करेगा, तो इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, सरफेस को, ठीक है, सरफेस को हार्ड करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द एंगल विच इज लेस देन 90 इज कॉल्ड, लेस देन 90 को क्या कहिएगा, लेस देन 90 को एक्यूट एंगल, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। विच फ्यूल गैस इज यूज कटिंग डीप अंडर वाटर, डीप अंडर वाटर के लिए हाइड्रोजन, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इन सभी का याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ब्रास किसका होता है, कॉपर एंड जिंक, इसी तरह ब्रास इज एन अलॉय कॉपर एंड ब्रोंज, कॉपर एंड टिन, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। फिक्सर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच इज, फिक्सर क्या है, प्रोडक्शन डिवाइस है, कैसा, होल्ड एंड लोकेट द वर्क पीस, ठीक है, होल्ड एंड लोकेट फिक्सर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टैपर्स एंड टूल रिमूविंग फ्रॉम मशीन स्पिंडल, विच टूल इज यूज, अच्छा टैपर्स एंड जो टूल होता है उसको मशीन से रिमूव करने में आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, तो ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट पता ही होगा, जो ड्रिफ्ट लगाकर पंच करते हैं, मतलब आप अगर प्रैक्टिकली किए होगे तो पता, ऐसे बता नहीं सकता, ठीक है। द जनरल रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एंड वाटर कितना है, 1:20, ठीक है, 1:20 होता है सॉल्युबल ऑयल का, और टेपर का 1:50, यहीं पे आपका रॉन्ग हुआ था। चलिए, ए ट्राइपॉड इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ, ट्राइपॉड एक डिवाइस है कितना, 3 लेग्स का, सबको पता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ड्रिल जिग आर यूज फॉर, ड्रिल जिग किस लिए यूज करते हैं, तो ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग एंड ऑन अदर अलाइंड वर्क के लिए ड्रिल जिग बहुत यूज होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को कहां से लिया गया उसके बारे में जरूर पढ़िए। मैं जितने भी अभी तक एमसीक्यू अपलोड किया हूं हमेशा बोलते आ रहा हूं, हर एक वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराऊ कहां से आया है, किस लाइन से, कितना डीपली है, उन सभी को करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको उठाकर एक समावेश बनाता हूं, ताकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वही कराऊं, हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। विच अमंग द फ्लोविंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल एब्रेसिव इनमें से कौन सा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेकिंग सरफेस फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस सबको पता चल गया होगा ऑप्शन देख के, ट्राई स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोविंग मेटेरियल नो कटिंग ऑयल इज यूज वेन ड्रिलिंग, कौन सा, तो कास्ट आयरन, अब यहां देखिए कास्ट आयरन कौन सा है, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। आगे चलते हैं, मैलेट इज मेड अप, मैलेट किसका, हार्डवुड। अब ये इतना इजी इजी करा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन बनते हैं, और ये पहला सीरीज का पहला पार्ट है, ठीक है, और भी मैं कोशिश करूंगा और बहुत सारे पार्ट अपलोड करने का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भी ब्लॉक भी ग्रुप्स एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप जितने बार एग्जाम दे चुके हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फ्लोविंग बेल्ट फास्टनर इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी मशीन, हैवी ड्यूटी मशीन में कौन सा बेल्ट फास्टनर आप यूज करिएगा, तो लैगरल टाइप, ठीक है, लैगरल टाइप यूज करिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा मत करिएगा कि बहुत इजी इजी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। आप देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन, आपको इस 100 में से आपको 10 क्वेश्चन से ज्यादा ही आपके कॉमन पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑन ऑफ द फ्लोविंग इज ए टेम्पररी जॉइंट,
Which one of the following is a temporary joint? तो कौन सा इसमें से देखिए temporary joint की बात करें तो presbyopia joint आपका temporary होता है। और 10 question जो पढ़े हैं, अगर आप इस 100 question को मैं जैसे बोलता हूँ पढ़ने को, अगर उस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका definitely आप 100% तक चल जाइए। क्योंकि एक क्वेश्चन में जैसे टेम्पररी जॉइंट के बारे में बोला, इसी तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इसके फुल डिटेल को पढ़ा करिए। ठीक है, मैं यहां पे आपको एमसीक्यू करा दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक हिंट जाए और हिंट से आप आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलिए। द एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस गेज, रेफरेंस गेज का एक्यूरेसी कितना आता है तो 0.001 mm। ठीक है, रेफरेंस गेज। ठीक, आगे चलिए। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है, 0.02 mm। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना। ठीक है, टम्बलर गियर कंसिस्ट ऑफ 3, ठीक है, 3 गियर, ये रिफिटेड हो गया। ए ड्रिल होल आफ्टर टैपिंग इज कॉल्ड, जो ड्रिल होता है टैपिंग के बाद उसको क्या कहते हैं, टैप होल कहते हैं। ठीक है, टैप होल। अगला क्वेश्चन, स्वेज ब्लॉक किसका बना होता है, स्वेज ब्लॉक मलेबल कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, ग्राइंडिंग समय आपको क्या यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप दो चीज, गगल्स तो आप एक मार्क्स हटा दीजिएगा, ठीक है, सन गगल्स हटा दीजिएगा, अगर काटिएगा भी ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं बी और डी। बी डी में आपको कंफ्यूजन होगा, डार्क ग्लास स्क्रीन आपका वेल्डिंग हो जा रहा है, समझ लीजिए डार्क वेल्डिंग, क्योंकि वहाँ स्पार्क आपके सामने होता है। ठीक है, और ग्राइंडिंग में आपको सेफ्टी के लिए चाहिए तो सेफ्टी गोगल ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, HSS इज टेम्परेट, HSS जो होता है हाई स्पीड फ्यूल कितना पे होता है तो 600, मैंने आपको इसके अगले में 600 डिग्री पे बताया था, तो यहाँ 550 से 650 उतने के अप्रोक्स आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर देना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन टैपिंग एल्यूमिनियम एंड कॉपर व्हाट कूलेंट यूज, एल्यूमिनियम की जैसे बात आई तो आपको केरोसिन बचाना है, ठीक है, केरोसिन। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात आता है केरोसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए हाइड्रोलिक सेपर इज ड्रिवन बाय, हाइड्रोलिक सेपर कैसे काम करता है तो लिक्विड प्रेशर के थ्रू। ठीक है, ड्रिवन बाय लिक्विड प्रेशर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, ए ब्लैक मलेबल कास्ट आयरन यूज, ब्लैक मलेबल कास्ट आयरन क्या होता है, रॉ कास्ट आयरन, इसको रॉ कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, रॉ कास्टिंग, ब्लैक मलेबल कास्टिंग को। ठीक है, और जितना भी मैं बोल रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन लिया हूं जरूर एक बार पढ़िएगा, मैं आपको कहता हूं बहुत काम देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, SWL इसको मैंने करा दिया सेफ वर्किंग लोड, Which one of the following material is used for manufacturing center drill? Center drill के लिए आप कौन सा material यूज करेगा तो high speed steel। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आप high speed steel को ही लीजिएगा। Which one of the following key is used on automobile? Automobile shaft में wood draft की। ठीक है, wood draft की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए डाई इज, डाई क्या है, डाई क्या है, डाई से आपका एक्सटर्नल कहते हैं या इंटरनल, तो आपको सबको पता है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है। ठीक है, आगे चलिए, फोर्जिंग इज डन वेन द मेटल इज इन, फोर्जिंग डन होता है तो मेटल किस कंडीशन में, प्लास्टिक कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैं क्वेश्चन कराया डाई, तो डाई को ही सिर्फ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट्स है, नट है, डाई नट, जितना भी कुछ है, ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन, द फेस प्लेट इज यूज फॉर टर्निंग, फेस प्लेट टर्निंग में क्यों यूज करिएगा तो इरेगुलर शेप जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्लैश लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, रिंग लुब्रिकेटर। ठीक है, रिंग लुब्रिकेटर, लुब्रिकेशन से भी एक क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा, लुब्रिकेशन से एक क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द सेपर सपोर्ट द टेबल, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द सेपर सपोर्ट द टेबल, कौन सा पार्ट तो सेडल। ठीक है, सेडल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील इज, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग से क्या होता है तो रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, इंड्यूस स्ट्रेस को आप रिमूव करते हैं, इसी तरह आपका हीट ट्रीटमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली मूव इनटू अपोजिट डायरेक्शन, देखिए ये ड्राइवर ड्रिवन, ये दोनों पुलू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कैसे, क्रॉस बेल्ट। ठीक है, क्रॉस बेल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए रफ फाइल यूज, रफ फाइल किस लिए यूज करेगा, रैपिडली मेटल रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, रफ फाइल, ठीक है, ये पहले ही आपको मिल जाएगा। विच अमंग द फ्लोइंग स्टैक प्रोवाइडेड है डबल इंडेड सपोर्ट, डबल इंडेड सपोर्ट कौन सा, हॉर्स टैक। ठीक है, हॉर्स टैक। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल थ्रेड कटिंग ऑन ए लेथ बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट टूल द टूल मूव्स इन पैथ कॉल्ड एज, क्वेश्चन को समझिए, जब आप थ्रेड कटिंग करते हैं लेथ में बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू, ठीक है, कौन सा पाथ में, तो हेलिक्स, पाथ कॉल्ड इज हेलिक्स। ठीक है, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ SI क्या होता है तो मीटर होता है। ठीक है, मीटर, ऐसा यूनिट भी आपको बहुत सारे याद होना चाहिए। माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो नट एंड बोल्ट। ठीक है, माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट। ठीक है, और ये आपका लास्ट था। ठीक है, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।